वो आए तो सौगात भी मिली और तंज भी, जनता को निराश भी नहीं किया और विपक्षियों पर हमला भी बोला। इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था, दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में रायपुर के दौरे पर पहुंचे थे। पीएम मोदी करीब 10:45 पर रायपुर पहुंचे। इसके बाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचे। इस दौरान रेल और सड़क से जुड़ी 5 केंद्रीय परियोजनाओं को लॉन्च किया। इस दौरान करीब 7500 करोड़ की सौगात प्रदेश की जनता को दी और फिर कांग्रेस पर जुबानी प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं कहता हूं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की, कमीशन खोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और वे मोदी को भला बुरा कहने लगते हैं। इनकी नाराजगी ही प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ये सरकार का हथौड़ा है जो अतिक्रमण पर चला है। इस हथौड़े से प्रशासन ने अतिक्रमण का सफाया किया है। तस्वीरें उज्जैन के मुरलीपुरा की है, जहां सालों से अवैध कब्जा कर रहे अतिक्रमणकारियों के घरों पर बुलडोजर चला। निगम ने अवैध अतिक्रमण को लेकर पहले ही 3 मकानों को नोटिस जारी किया था, लेकिन जब मकान खाली नहीं किए गए तो फिर कार्रवाई करनी पड़ी। निगम की टीम पहुंची और संघर्ष क्षेत्र में बने मकानों पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने कार्रवाई पर विरोध जताया, लेकिन निगम का बुलडोजर नहीं रुका और अवैध अतिक्रमण को जमीन दोष कर दिया। इंदौर में बढ़ते क्राइम एक्शन मोड में पुलिस प्रशासन आरोपियों और अपराधियों पर शिकंजा, कहीं गिरफ्तारियां तो कहीं अपराधियों के घर पर चल रहा बुलडोजर। तस्वीरें इंदौर की है, जहां दुष्कर्म के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। आरोपी गट्टू मुस्लिम पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप है। नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई तो कार्रवाई हुई, 3 लोगों पर आरोप लगे। तीनों आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हुई और फिर मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। बता दें कि 12 वर्षीय आदिवासी नाबालिग के साथ इलाके में रहने वाले आरोपी गट्टू मुस्लिम और उसके 2 अन्य साथियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। वारदात को समय अंजाम दिया गया जब नाबालिग एक मकान निर्माण के काम में मजदूरी का काम कर रही थी। उसी दौरान तीनों आरोपियों ने छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये नदी नालों में उफान, सड़कों पर चलना मुश्किल, जो जहां है वहीं ठहर गया। ये तस्वीरें आसमान से आई आफत की हैं। खरगोन में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में करीब 2.5 इंच तक बारिश हुई है, जिससे नदी नालों में उफान आ चुका है। राहगीरों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो चुका है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि जगह जगह सड़क टूट गई है, तो कहीं नाले में सड़क बह गई है, जिसकी वजह से गाड़ियां सड़क पर ठहर गई हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से खरगोन के लोगों की जिंदगी ठहर सी गई है। जहां भिंड जिले के कलेक्टर बैठते हैं, वहीं इतना पानी भर गया है, तो फिर सड़क पर पानी का भरना कौन सी बड़ी बात है। बात तो बड़ी ये है कि इन हालातों के बाद नगर पालिका प्रशासन की पोल खुली है। कहीं गाड़ियां आधी डूबी हैं, तो कहीं पर गाड़ियां ले जाने में डर लग रहा है। ये भिंड की तस्वीरें हैं, जहां महज 2 घंटे लगातार बारिश हुई और पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़क पर पानी का सैलाब आ गया, चौक चौराहों पर जलभराव हो गया, कलेक्टर परिसर तो मानो डूब ही गया। ये हाल शहर के किसी एक इलाके का नहीं है, बल्कि ये पूरे शहर का हाल है और ये तस्वीरें नगर पालिका प्रशासन की पोल खोल रही है। कहीं पर गाड़ियां पानी में आधी डूबी हैं, तो कहीं पर खेत खलियान पानी में लबालब भर गए हैं। कहीं नाले के ऊपर पानी बह रहा है, तो कहीं सड़कों पर सैलाब आ गया है।
ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की हैं, जहां बारिश कहर बनकर बरसी है। राजधानी रायपुर को सड़क से लेकर खेत खलियान तक पानी में डूब गया है। गाड़ियां चलने की जगह रेंग रही हैं, तो गरियाबंद में लगातार हो रही बारिश से गांव डूबा हुआ है। भारी बारिश के बाद जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जशपुर के पत्थल गांव में सड़क के ऊपर पानी बह रहा है, तो लंजियापारा के पालीडी में नाले के ऊपर पानी बह रहा है। प्रदेश के कुछ कुछ शहरों का ऐसा ही हाल है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ईओडब्ल्यू की टीम जब एक्शन के लिए पहुंची, तब उससे भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि करप्शन का आंकड़ा 1, 2, 10 नहीं बल्कि 600% तक पहुंच जाएगा। यानी आय से 600 गुना ज्यादा मलाईदार पोस्टिंग और काली कमाई के धन कुबेरों पर जारी ईओडब्ल्यू के कार्रवाई की एक कड़ी ये भी है। जबलपुर की ईओडब्ल्यू की टीम ने फिलहाल सागर में पदस्थ खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निरीक्षक अमरीश दुबे के सागर और जबलपुर के ठिकानों पर दबिश दी, तो शुक्रवार के दिन अमरीश दुबे का शनि भारी हो गया। सागर के द्वारिका गार्डन और जबलपुर में शताब्दीपुरम स्टार पार्क स्थित खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निरीक्षक अमरीश दुबे के घर पर एक साथ ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा। फिलहाल दुबे की पदस्थापना सागर में है, साथ ही जबलपुर का भी प्रभार है। कार्रवाई के बाद जैसे जैसे आंकड़े सामने आए, तो सभी का मुंह हैरानी से खुला रह गया। गुरु ज्ञान देता है, लेकिन जब गुरु को ही ज्ञान ना हो तो वो भला क्या ही ज्ञान देगा। खबर मंडला से है, जहां नैनपुर विकास खंड के माने गांव से शराब के नशे में धुत शराबी शिक्षक का एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में शिक्षक नशे की हालत में बेहोश पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि शिक्षक नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया, जहां स्कूल के क्लासरूम में पहुंचते ही घंटों बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। इस दौरान उन्होंने बेहोशी की हालत में कपड़ों में ही गंदगी कर दी। अपने गुरुजी की इस हरकत को देख वहां पर मौजूद जितने भी बच्चे थे, सभी डर से स्कूल छोड़कर भाग गए। बाइक पर सवार होकर दो बदमाश आते हैं, दो भाइयों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। बदमाशों से बचने के लिए दोनों भाई अस्पताल में छिपने के लिए भागते हैं। बदमाश गोलियां बरसाने के बाद बाइक पर सवार होते हैं और तेजी से निकल जाते हैं। मुरैना में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने दो सगे भाइयों पर हमला किया। एक भाई के पैर में गोली लगी और दोनों भाइयों ने अस्पताल में घुसकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई, जिसमें देख सकते हैं बदमाश दोनों भाइयों का पीछा करते हैं, तभी वो अस्पताल की ओर भागते हैं और छिप जाते हैं, जिसके बाद बदमाश बाइक पर सवार होकर निकल जाते हैं। ये तस्वीर मुरैना प्रशासन पर सवाल खड़े करती है कि क्या बदमाशों को प्रशासन का खौफ नहीं है? क्या प्रशासन अलर्ट नहीं है? सतना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगवा में शराबखोरी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें अस्पताल के अंदर दो डॉक्टर शराब और कबाब का सेवन करते नजर आ रहे हैं। इन डॉक्टरों ने सरकारी अस्पताल को ही शराबखोरी और अय्याशी का अड्डा बना दिया। तस्वीरें मझगवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं, जहां देख सकते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर नागौरी और डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह का अस्पताल में कमरे में बैठकर जलसा चला रहे हैं और नॉनवेज पार्टी कर रहे हैं। हालांकि इस नॉनवेज पार्टी में अस्पताल के एक डॉक्टर और शामिल थे, लेकिन वो वीडियो बनने के पहले ही पार्टी से फुर्सत होकर चले गए। हालांकि वायरल तस्वीरों की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। बारिश के बाद अशोक नगर की सड़क ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिस्टम खाट पर है। तस्वीरें झांसा खेड़ी गांव की, जहां बारिश के बाद सड़क का हाल बेहाल हो गया। इस सड़क पर एम्बुलेंस चलना तो दूर की बात है, पैदल भी चलना मुश्किल है। हर साल बारिश में इस सड़क की स्थिति ऐसी ही होती है, इतनी खराब कि एम्बुलेंस तक कई किलोमीटर पहले थम जाती है। गंभीर मरीज को एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए उसकी खटिया को चार लोग कंधा देकर ले जाते हैं। जो तस्वीरों में देख सकते हैं, कीचड़ और कांटों से सने रास्ते से होकर कैसे मरीज को खाट पर अस्पताल तक ग्रामीण ले जाने के लिए मजबूर है।
दमोह जिले के साथ जिला मुख्यालय पर बाइक चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। पुलिस में शिकायतें लगातार दर्ज हो रही हैं, तो वहीं कई मामलों में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी पुलिस चोरों की तलाश करने में जुटी हुई है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी की बाइक को उसके घर से चोर उठाकर ले गया। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। दरअसल राजस्थान निवासी गिरिराज मीणा जब अपने गांव गए थे, उसी दौरान उनकी बाइक उनके दमोह स्थित घर में रखी हुई थी। इसी दौरान चोर ने उनकी बाइक को चुरा लिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अगर आप भी बलौदा बाजार की सड़क पर चलना चाह रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि पहली बारिश में ही इस सड़क के रास्ते पोल खोल रही है। तस्वीरें देखिए, ये नज़ारा है जिले के लटुआ मार्ग का, जहां पर सड़क पर मुरम डाल दी गई, जिससे अब बाइक स्लिप होने लगी है। इसके चलते रोजाना हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। यूं तो बारिश आते ही कई व्यवस्थाओं की पोल खुलने लग जाती है। सड़कें और स्कूलों में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है, जिसके बाद प्रशासन की भी पोल खुलने लगती है। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला है बलौदा बाजार जिले में, जहां जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित लटुआ मार्ग पर प्रशासन द्वारा सड़क पर मुरम डाल दी गई है। इसके चलते बारिश होते ही वहां कीचड़ बन जाती है और आवागमन में अब लोगों को परेशानी हो रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक बाइक सवार इस कीचड़ में गिरते जा रहे हैं। वहीं लगातार हादसे होने के बाद भी प्रशासन अपनी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। ये सिलसिला कई दिनों से ऐसा ही चल रहा है। मुंबई, रायपुर, उदयपुर, पटना, सूरत और एमपी के कई शहरों में बागेश्वर धाम सरकार का दरबार लगने के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य दरबार लगा है। दिव्य दरबार की शुरुआत यज्ञ से हुई, वहीं इसके बाद दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक दिव्य दरबार लगाया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दरबार में पहुंचे। वहीं इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथा का आयोजन किया गया। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसके बाद 9 से 16 जुलाई तक नोएडा में दरबार लगाएंगे। 12 को दिव्य दरबार और 14 जुलाई को सनातन धर्म सभा का आयोजन होगा, जहां करीब 20 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। शाजापुर में एक निजी स्कूल का मैजिक वाहन बेकाबू होकर सड़क से नीचे खेत में जा उतरा, फिर गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। इस हादसे के वक्त गाड़ी में 18 स्कूली बच्चे सवार थे, जो शाजापुर के निजी स्कूल जा रहे थे। हादसे के बाद स्कूल वैन में सवार बच्चे बुरी तरह घबरा गए, और जिसके बाद बच्चों को तुरंत वैन से बाहर निकाला गया। भरड़ गांव के पास हुए हादसे में राहत भरी खबर ये रही कि किसी भी स्कूली बच्चे को चोट नहीं आई और एक बड़ा हादसा टल गया। स्कूल वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावक मौके पर पहुंच गए और मौके पर मौजूद ड्राइवर से उनकी जमकर कहासुनी हुई। इसके बाद सभी अभिभावक स्कूल भी पहुंचे, स्कूल प्रबंधन के सामने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। विवाद मामूली लेकिन हंगामा पूरा है बरपा। कोई लाठी डंडे से वार कर रहा है तो कोई लात घूंसे, जिसे जो मिला उसी से हमला कर दिया। ये तस्वीर सतना की है, जहां देहात थाना के कंचनपुर गांव में दो पक्षों में विवाद हो गया। बातों से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडों से वार किया। इस मारपीट में 6 लोग घायल हो गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है और पुलिस मामला दर्ज कर अब जांच में जुटी है। हैप्पी बर्थडे सर। अपने जन्मदिन के मौके पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान अपने होम टाउन रांची में हैं। जन्मदिन के मौके पर रांची के फैंस उनके घर के बाहर डेरा डाल दिए हैं। वो
कार से निकलने के दौरान अपने प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। सुबह से ही धोनी के घर के बाहर समर्थक जुटने लगे थे। महेंद्र सिंह धोनी रांची में हों और उनके समर्थक की दीवानगी कम दिखे, ऐसा हो नहीं सकता था। इसलिए सवेरे से ही महेंद्र सिंह धोनी की एक झलक पाने के लिए धोनी के सिमरिया स्थित फार्म हाउस में प्रशंसक जुटने लगे। कोई वहीं पर उनकी तस्वीर बनाने लगा तो कोई आवाज देकर अपने माही को विश करता नजर आया। हैप्पी बर्थडे सर। माही अपने कार से हाथ हिलाते और अभिवादन करते हुए बाहर निकले। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी भी नजर आई। माही के जन्मदिन पर रांची वाले इसे खास दिन या फिर कहें कि इसे उत्सव की तरह मनाते हैं। तेलंगाना में बड़ा हादसा होने से टल गया जब फलकनुमा एक्सप्रेस में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद ट्रेन में चीख पुकार मच गई। आग लगने के बाद वीडियो सामने आया, ट्रेन की कुछ बोगियां धू धू कर चल रही हैं। राहत वाली बात यह है कि हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दक्षिण मध्य रेलवे के CPRO CH राकेश ने बताया है कि आग लगने के बाद सभी यात्री नीचे उतर गए। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और ट्रेन को बोमईपल्ली और पगड़ीपल्ली के बीच रोक दिया गया। आग तीन बोगियों में S4, S5, S6 में लगी है। जानकारी के मुताबिक फलकनुमा एक्सप्रेस हावड़ा से सिकंदराबाद के लिए चलती है। जब ये ट्रेन यदाद्री भुवनगिरी में थी तभी इन बोगियों में आग लग गई, जिसके बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। दुनिया में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ट्रेवल के शौकीन होते हैं, जो कभी भी कहीं भी बैग उठाकर चल देते हैं। उदयपुर में फ्रांस का एक युवक पहुंचा है जो वर्ल्ड टूर पर निकला है। इसके टूर की खास बात यह है कि यह अनजान लोगों से लिफ्ट लेकर ही दुनिया की यात्रा पर निकला है। युवक का नाम है लूकर वेनर, जो फ्रांस के लिवडन के रहने वाले हैं। दुनिया के अलग अलग देशों की संस्कृति और रीति रिवाजों को नजदीक से जानने और महसूस करने के इरादे से वो अपने घर से निकले हैं। लूकस ने बताया कि उन्होंने 2023 में अपने घर से यात्रा शुरू की थी। 5 महीने के रोमांचक सफर के बाद और 16,000 मील की यात्रा पूरी कर लिफ्ट लेकर उदयपुर पहुंचा। उन्होंने पाकिस्तान से ट्रांजिट वीजा पर इंडिया में 1 महीने पहले एंट्री ली थी। इसके बाद अभी तक इंडिया के 5 से ज्यादा प्रदेशों की यात्रा करते हुए राजस्थान में प्रवेश किया है। यात्रा के दौरान हाईवे पर ट्रक, कार, बाइक जो भी लिफ्ट दे उसके सहारे वो सफर तय कर रहा है। लूकस ने बताया कि उनके पिता बैंकर हैं और 2 भाई भी हैं। लिफ्ट लेकर ट्रेवल करने का आइडिया माता पिता को बताया तो वह शॉक्ड हुए, लेकिन मेरे इस सोच में साथ दिए। चाहता तो प्लेन या अन्य माध्यम से यात्रा कर सकता था, लेकिन इसमें चैलेंजेज, यूनिक एक्सपीरियंस मिल रहे हैं। अलग अलग लोगों से मिलना, उनके बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में जानना काफी अच्छा लग रहा है।